ठीक है, हम सफ़र रिज़ॉर्ट है यहाँ पर रामपुर में, उसमें उससे होके बड़कुसिया नाला गुजरता था वहीं बगल से। ये एक शिकायत आई थी और उसके बाद जांच कराई गई थी कि बड़कुसिया नाले को हम सफ़र रिज़ॉर्ट के द्वारा कंस्ट्रक्शन करके अपने अंदर मिला लिया गया है और ये अवैध तरीके से किया गया है। लगभग 100 मीटर की दूरी पे 10 मीटर का जो नाला था चौड़ाई का, उसको उसके अंदर किया गया था। इस तरह से 1,000 स्क्वायर मीटर के करीब नाले को अवैध तरीके से अपन कब्जा किया गया था। इस पे जो ड्यू प्रोसीजर है उससे नोटिस दी गई, जिलेदार के द्वारा पहले नोटिस दी गई, उसके बाद 7 अगस्त को एक्सीएन ने भी नोटिस दी। उसके जवाब में उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया उससे उस पे अपने कब्जे से, पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एक्सीएन इरिगेशन ने उस पे आदेश पारित करते हुए ये कार्रवाई की है प्रशासन की मदद से, और उस पे जो अवैध रूप से दीवार निर्मित की गई थी उसको हटा दिया गया है। इसमें सर ईंटें भी मिली हैं कुछ उसमें? अब उसके बाद देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम जितना मलबा है इकट्ठा करेंगे, उसकी अगर उसमें कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसकी जांच करेंगे और उस पे फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो सर वो ईंट भी आप स्टोर करेंगे जो वहाँ मिली है जो अभी उसमें? अभी ये हमारे हमारे नॉलेज में ले आया गया है और उसको टीम को बोल दिया गया है। टीम उस चीज़ को एक सैंपल के तौर पे इकट्ठी कर लेगी और उसके बाद जो जो उसके अप्रोप्रिएट एजेंसी है उसकी जांच कर लेगी। तो सर ऑनर कौन है इसके इसके? इसकी जो इसकी जो मालिक हैं अब्दुल्ला आजम खान हैं। जो ज़मीन है एक्चुअली वो ज़मीन पहले किसी और से ख़रीदी गई थी और वो जो नाला बनाया गया तो भी सिंचाई विभाग ने ख़रीद के ही बनाया था। उसके बाद उस मालिक से जो पीछे की ज़मीन थी वो अब्दुल्ला आजम खान ने ख़रीदा था और उन्होंने ख़रीदने के बाद उस नाले को भी अपने अंदर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो सर पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा जो भी वॉल है उसके हाँ, जो अंदर। दीवार जो अवैध कब्जे में जितना एरिया है वो एरिया हमने हटा दिया है। और सर जो उसका मलबा वलबा है वो भी आप वहाँ से हटवा जी रहे हैं? बिल्कुल, वो मलबा हम हटाएंगे और उसके लिए कहाँ उस पे जाएंगे फाइन मलबा? भी लगाया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो वसूल किया जाएगा। कितना जुर्माना होगा सर? वो उसकी उनकी नोटिस में पूरी तरह दिया गया है, वो सिंचाई विभाग का काम है उसको करेंगे।